Okay? यानी जिनका हम यूज कर सके खाने में ओके okay? फूड में यूज कर सके अब यहाँ पर पहला दे रखा है वाइट बटन मशरूम हमने जो फर्स्ट डायग्राम लगा कर रखा है ये है वाइट बटन मशरूम का इसका हमें साइंटिफिक नेम बताना है क्योंकि वाइट बटन मशरूम क्या है कॉमन नेम है साइंटिफिक नेम होता है वाइट बटन मशरूम का एगेरिकस बिस्पोरस ओके okay? अब ये एक एडिबल मशरूम है जिनका हम खाने में यूज करते हैं और ये नेटिव है यूरोप का ओके? ये यूरोप के नेटिव है ओके सो यहां पर अगर हम बात करें तो बेसिकली ये पाए तो दो कलर्स में जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा ये वाइट कलर में मिलते हैं ओके तो व्हाइट बटन मशरूम हमारे हो गया अगेरिकस बिस्पोरस दूसरा यहाँ पे हमें कॉमन नेम बताना है बायोलॉजिकल नेम दे रखा है बायोलॉजिकल है वॉलवेरिएला वॉलिया अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉलवेरिएला वॉलवेसिया जो यहाँ पर दे रखा है बायोलॉजिकल नेम है और इसका कॉमन नेम अगर हम बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम होता है स्ट्रॉ मशरूम सेकेंड डायग्राम हमने स्ट्रॉ मशरूम का लगा कर रखा है ओके okay? तो सेकेंड डायग्राम हमारा किसका है स्ट्रॉ मशरूम का डायग्राम है ओके okay. अब ये जो स्ट्रॉ मशरूम है ये भी एडिबल मशरूम होते हैं खाने में यूज किए जाते हैं और ये एडिबल मशरूम सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में ओके okay. तो ये इसके नेटिव हैं एंड इनका भी यूज हम खाने में करते हैं ओके okay. थर्ड यहाँ पर दे रखा है ओइस्टर मशरूम और इसके बायोलॉजिकल नेम हमें बताने हैं मशरूम हमारा थर्ड डायग्राम हमने लगा कर रखा है और इसका बायोलॉजिकल नेम है प्लूरोटस फ्लोरिडा ओके अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी एक एडिबल मशरूम है और इस एडिबल मशरूम को सबसे पहले कल्टिवेट किया गया था जर्मनी में ओके okay? और ये मशरूम भी खाने में यूज़ आते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाइट बटन मशरूम हमारा हो गया अगारिकस बिस्पोरस वॉल वेरिएला वॉल वेसिया की अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो ये स्ट्रॉ मशरूम एंड ऑयस्टर मशरूम के बायोलॉजिकल नेम हो गए प्ल्यूरोटस फ्लोरिडा क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी आई जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर